आजकल लोगों की औकात होती नहीं है और कंपनी शुरू करके बैठ जाते हैं। तो अभी की स्टार्टिंग में वीडियो को ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए, क्योंकि टाइम पास का मूड नहीं है। टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट दिखाता हूँ कि मीशो का पोर्टल है, ये मेरा अमेजोन का पोर्टल है। इसमें जो मेरी इन्वेंट्री है वो लगभग 55 कैटलॉग्स की है, और जब से मैंने अमेजोन चालू किया है तब से लेकर आज तक एक भी प्रोडक्ट मेरा ना तो किसी एरर में फंसा है, ना फिर किसी भी तरीके के किसी कैटलॉग को ब्लॉक किया गया है, जबकि सेम कैटेगरी में मैं अमेजोन और मीशो दोनों पे सेल कर रहा हूँ। आज तक मेरे को अमेजोन पे एक सिंगल टिकट रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मीशो की बात करूँ तो मीशो का पोर्टल इन्वेंट्री तो छोड़ ही देता हूँ, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मीशो का कोई धंधा कर नहीं सकता, सिर्फ चूतिया बन सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैटलॉग मेरे कितने सारे चालू हुए, न्यू रिटेंशन, इन प्रोग्रेस, इशू रेज, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, जितनी सेल नहीं हो रही, जितने प्रोडक्ट मेरे सेल नहीं हुए उससे ज़्यादा मेरे अभी टिकट रेज हैं। कैटलॉग के जितने पास, जितने मेरे पास कैटलॉग के पेज नहीं है उससे ज़्यादा मेरे पास टिकट के पेज हैं। 5 नंबर तक के पेज है मेरे पास कंटिन्यू। मैं आज तक सिर्फ टिकट रेस करता आ रहा हूँ, सिर्फ टिकट रेस, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग मेरे जितने भी कैटलॉग थे, अगर मैं इन्वेंट्री में जाके दिखाऊँ तो मेरे से 25 कैटलॉग एक्टिव है, एक एक्टिवेशन पेंडिंग में डला है, दो पॉज में, और 31 कैटलॉग ब्लॉक्ड कर दिए अननेसेसरी। और कंटिन्यूस ये वाला मैसेज रीजन लिख के आता है, प्लीज कॉन्टेक्ट सप्लायर सपोर्ट। सप्लायर सपोर्ट मतलब ये वाला सेक्शन, इसमें अगर मैं सी ऑल टिकट पे जाऊँ तो टिकट की आप क्वांटिटी देखो, बल्क क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी मेरे पास ऑर्डर नहीं है उससे ज्यादा मेरे पास टिकट डले हुए हैं। कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, जितनी बार कॉल आता है उतनी बार बोलते हैं टिकट रेस कर दो, टिकट रेस कर दो। मेल का सपोर्ट आपके पास है नहीं, मेल आईडी भी दिखा देता हूँ, एक सिंगल मेल आप मीशो पर कर नहीं सकते हो। मेल आईडी इनकी है नहीं, कॉल सेंटर इनका है नहीं, आपको अदर्स में जाकर टिकट रेस करना पड़ेगा। कॉल मी बैक का कॉल आएगा, आप इश्यू बताओगे, उसके बाद बोलेंगे आप टिकट रेस कर दो। तो जब टिकट ही रेस करवाना है कॉल बैक करके भी, तो फिर कॉल बैक कर ही क्यों रहे, कोई मतलब ही नहीं है। मीशो का पास फ्लैश फ्लैश सेल का मेल आता है, इसके अलावा कोई भी मेल का इनके पास मैनेजमेंट नहीं है, 1% भी मैनेजमेंट नहीं है। ना तो इन लोगों को कंपनी चलानी आती है, और बहुत बड़ी बात नहीं, कंपनी एकदम से आप सबके पैसे खा के या फिर सब कुछ करके भाग जाए। विदित आर्य जो इस कंपनी का सीईओ है उसको 1 नंबर की अक्कल नहीं है कंपनी चलाते कैसे है, तो कंपनी बेच खाए और सब्जी मार्केट में जाके बैठ जाए साला। लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि बाकी लोग जो बैठे हैं इन्वेंट्री खरीद के, सामान खरीद के और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी मेहनत करना सुबह से लेकर शाम तक वो काई के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यू मेरे कैटलॉग ब्लॉक्स हैं। अगर मैं बिजनेस डैशबोर्ड में जाकर दिखाऊँ कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, तो 30 डेज में अगर आप देखोगे यहाँ पर 161,771 के व्यूज है। यह व्यूज बनाने के लिए मेरी SSG हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ही मेरे व्यूज यहाँ पे आ रहे थे, ये कन्वर्जन रेट जो आ रहा है 6.8% ये 14% पे था, टोटल सेल जो ये आ रही है ये डबल पे थी। लेकिन इसमें क्या किया हमने, इनने कैटलॉग ब्लॉक करके क्यूसी एरर देखे, जाने कौन कौन से इश्यूज देखे, मेरे पूरे पूरे के पूरे पोर्टल की SSC कर दी। कंटिन्यू टिकट रेस कर रहा हूँ, ना तो कोई सिस्टम हो रहा ना कुछ। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, ये मेरे सामने मतलब आपके सामने स्क्रीन है, पर्सनली रिकमेंड करूंगा मीशो चलाने से अच्छा है कि मीशो पर 5-6 केस छोड़ दो। विजय तारे मेरे को मिल नहीं रहा मार्केट में, कहीं मिल जाता मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, खुल्ला बोल रहा हूँ। अगर वीडियो आज तक पहुंच भी रही है या पहुंच जाए, जिसको भी बुरा लगे भला लगे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये है कि जो मीशो पोर्टल है ये इतना घटिया है, इतना घटिया है, जिसका कोई सेंस नहीं है। चलाना मतलब अपने मेंटल हरेसमेंट करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों से कोई भी 1% का भी सपोर्ट मेरे को मिल नहीं रहा है। और प्रमोशन पे जाओगे, एडवर्टीजमेंट पे जाओगे, तुरंत ऐड लग जाएगा, लिखा है up to 3 times ऑफ मोर ऑर्डर। एक 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 रुपए का ऑर्डर नहीं आएगा इस महासेल से, एक रुपए का ऑर्डर नहीं आएगा। इनकी महासेल से बोलने की है, इनके पास घंटा कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर नहीं है तो महासेल कहाँ से होगी। इससे बेटर है एक ही पोर्टल में मेहनत करो, अमेजोन भी मेहनत करो, मीशो की वीडियो ऐसा बनाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उन लोगों ने इतना ज़्यादा अति कर दिया है, इसकी कोई हद नहीं है। मेरे सारे कैटलॉग ब्लॉक हैं, मेरा काम पूरा जितना मैंने मीशो को बनाया था सब कुछ बेकार कर चुका है मीशो। इसलिए बोल रहा हूँ जिसका भी मीशो पोर्टल खुला है, सब लोग रिपोर्ट टिकट करके या फिर सब लोग मेल डाल के या फिर सब लोग कंप्लेंट डाल डाल के लॉग आउट कर दो। इससे बेटर तो ये है भाड़ में जाए, नहीं तो किसी दिन ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा आपके वॉलेट में और उसके बाद ये लोग आपको उड़ा देंगे। यहाँ पे अभी तक जो पेमेंट दिख रहा है वो 25 पेड अप्रैल दिख रहा है, इस पर मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आया, 0 भी दिख रहा है, लेकिन 25 का पेड दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, 15-15 दिन तक ये लोग पेमेंट शेड्यूल ही नहीं करते हैं। ये वाला ऑर्डर है, 15 दिन बाद आपका पेमेंट शेड्यूल होगा, और वो भी आएगा उसके 5 दिन बाद। आपने कोई ऑर्डर अगर 1 तारीख को भेजा है तो 20-21 तारीख में उसका पेमेंट आना है। सबसे घटिया सिस्टम है, सबसे घटिया सिस्टम है। एक तो सेल इतनी कम है, ऊपर से कैटलॉग ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो सेल के कोई चांसेस ही नहीं बनते।
और किसी दिन आपका यही अनशेड्यूल्ड पेमेंट रहा और अकाउंट अगर इन्हें डीएक्टिवेट कर दिया, जैसे कि मेरे कैटलॉग डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट भी चला जाएगा, आपका सामान भी चला जाएगा, ना तो आप फिजिकल सपोर्ट ले पाओगे, ना तो आपका पेमेंट आएगा और सामान तो गया सो गया। इससे बेटर है मीशो का अकाउंट वकाउंट सब लॉग आउट कर दो, कोई मतलब नहीं चलाने का, और दो चार गाली और मको इसको। We'll be right back.